अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए न्यू बॉर्न बेबी ग्लव्स लेके आई हूँ। ये देखिए, न्यू बॉर्न बेबी मिटन्स बहुत प्यारे लगते हैं। ये इस तरह से पहले स्लिप नॉट बनाएंगे, फिर इस तरह से फंदे डालेंगे, ऐसे धागे को ऊपर लाते हुए इस तरह से इस धागे को खींच देंगे। 35 फंदे डालने हैं हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, 35 फंदे डालने के बाद अब हम इसको सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से। पूरी रो सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से लास्ट जो स्टिच है इसको ऐसे ही बगैर बुने उतारेंगे। अब सेकेंड रो जो है हमारी, उसको भी सीधा सीधा बुनेंगे। ये धागा इधर कर देती हूँ मैं। सिक्स रोज ऐसे सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे बनेगा, दोनों साइड से सीधी रो बनानी है। बॉर्डर बना रहे हैं हम, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, 6 रोज बनाने के बाद ये 3 रोज का बॉर्डर आ गया हमारे पास, 1, 2, 3। अब इसके बाद हम जाली बनाएंगे। फर्स्ट 2 स्टिच हम सीधे बुनेंगे, ये देखिए, फिर धागे को आगे करेंगे, फिर ये जो 2 स्टिचेस हैं इनको एक साथ बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए, फिर आगे के 2 स्टिच हम सीधे बुनेंगे, ये देखिए, फिर धागे को आगे करेंगे और 2 स्टिच एक साथ सीधे बुनेंगे। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करने के बाद जो उल्टी साइड है उसको उल्टा ही बुनेंगे। उल्टी साइड पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड में हमने जाली बनाई है। अब ये जो जाली वाला स्टिच है इसको भी इसी तरह से उल्टा बुनेंगे। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए जाली बन रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जाली बनाने के बाद अब हम फंदों को इंक्रीज करेंगे। आइए देखें किस तरह से इंक्रीज करते हैं। पहला जो स्टिच है जो हमने बगैर बुने उतारा है, इसको पहले ऐसे बुनेंगे, फिर यहाँ पे हम इस तरह से एक स्टिच बनाएंगे, फिर ये जो सेकेंड स्टिच है इसको भी इस तरह से बुनेंगे। अब ये जाली वाला स्टिच इस तरह से बुनेंगे सीधा। अब ये देखिए, ये जो 3 स्टिचेस हैं इनमें ये फर्स्ट स्टिच, इसको इस तरह से बुनेंगे।
अब स्टिच के बाद यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर ये सेंटर वाला स्टिच इसी तरह से बुनेंगे, फिर अगेन एक फंदा बढ़ाएंगे। अब ये स्टिच इस तरह से बुन लिया, ये देखिए 3 में से अब ये यहाँ पे हमारे पास 5 स्टिच बन गए। अब ये जाली वाला स्टिच सेम इसी तरह से सीधा बुनेंगे। अब ये जो 3 स्टिच हैं इनमें हमने 5 स्टिच बनाने हैं। पहले एक स्टिच बुन लिया, इसके बाद एक स्टिच इंक्रीज किया इस तरह से, फिर ये एक स्टिच बुन लिया, फिर एक स्टिच इंक्रीज करेंगे, सेम इसी तरह से रो कंप्लीट करेंगे। जाली वाला स्टिच इसी तरह से बुन लेना है, इसके ऊपर हमने इंक्रीज नहीं करना। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करने के बाद जो हमारी उल्टी रो है वो पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे। उल्टी रो में कोई भी फंदा इंक्रीज नहीं करेंगे, पूरी रो उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद ये सीधी रो आ गई हमारे पास। अब इसको किस तरह से बुनेंगे आइए देखते हैं। पहला स्टिच सीधा, ये सारे स्टिच सीधे ही बुनेंगे। अब ये देखिए, ये जाली वाला स्टिच है, इससे पहले एक स्टिच इस तरह से बढ़ाएंगे, फिर ये जाली वाला स्टिच बुनेंगे, ये देखिए, फिर यहाँ से एक स्टिच बढ़ाएंगे। अब बाकी ये सारे स्टिच इसी तरह से सीधे बुनेंगे। ये देखिए, फिर जाली वाला स्टिच आ गया हमारे पास, इससे पहले एक स्टिच इंक्रीज करेंगे, फिर ये स्टिच एक बुनेंगे, इसके बाद फिर अगेन एक स्टिच इंक्रीज करेंगे। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, फंदे इंक्रीज करने के बाद उल्टी रो पूरी उल्टी बुनेंगे, इसमें कोई भी फंदा इंक्रीज नहीं करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम 2 रोज इसी तरह से बुनेंगे, एक सीधी और एक उल्टी, उसमें कोई भी फंदा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे। इसको थोड़ा ऊपर करने के लिए, थोड़ा बड़ा करने के लिए 2 रोज हम प्लेन बुनेंगे, एक सीधी और एक उल्टी रो। ये मैं कंप्लीट कर लूँ 2 रोज के बाद फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 रोज बनाने के बाद अब हम फंदों को डिक्रीज करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, 5 स्टिच सीधे बनाने के बाद 2 स्टिच का एक करेंगे इस तरह से, 1,
टू थ्री फोर फाइव। फाइव स्टिच सीधे बनाने के बाद टू स्टिच का एक करेंगे इस तरह से, पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो उल्टी रो है उसको उल्टा ही बुनेंगे, सेम इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब सीधी रो आ गई। इस सीधी रो में पहले हमने फाइव स्टिच के बाद डबल स्टिच बनाए थे, अब फोर स्टिच के बाद बनाएंगे। वन टू थ्री फोर, फोर स्टिच बनाने के बाद दो का एक करेंगे, टू स्टिच एक साथ बुनेंगे। वन टू थ्री फोर, फोर स्टिच बनाने के बाद टू स्टिच को एक साथ बुनेंगे। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे, उल्टी रो उल्टी ही बुनेंगे, उसमें कोई भी फंदा डिक्रीज नहीं करेंगे। ये मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फंदे कम होते जाएंगे। अब इस रो में हम थ्री स्टिच के बाद दो का एक करेंगे, वन टू थ्री। थ्री स्टिच बुनने के बाद दो स्टिच का एक किया, ये देखिए वन टू थ्री। इस तरह से उल्टी रो पूरी उल्टी बुनेंगे। अब थ्री स्टिच बुने, इसके बाद टू फिर वन, इसी तरह से ये फंदे कम होते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, थ्री स्टिच बनाए टू स्टिच बनाए, अब एक स्टिच के बाद डबल स्टिच। इस तरह से एक स्टिच सीधा बुनेंगे, इसके बाद दो का एक करेंगे, एक स्टिच सीधा फिर दो का एक। ये देखिए इस तरह से उल्टी रो उल्टी बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जितने भी स्टिच हैं सबको डबल डबल करके बुनेंगे इसे। दो स्टिच का एक करेंगे, ये लास्ट रो है। ये देखिए फ्रेंड्स, टू टू स्टिच बनाने के बाद उल्टी रो पूरी उल्टी बुननी, उसके बाद अब इसको फंदों को इस तरह से आराम से निकालेंगे ऐसे। अब ये क्रोशिया हुक है, इसमें इनको सबको इस तरह से डालेंगे। ये देखिए, अब ये जो धागा है हमारे पास, इसको इन सब स्टिच में से पास करेंगे।
आराम आराम से इन सब स्टेज में से पास करेंगे। ये देखिए, अब इसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा धागा छोड़ेंगे स्टिच करने के लिए, इसको यहाँ पे कट कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे ये इस तरह से रिंग बन जाएगी। अब इसको ऐसे उल्टा करके यहाँ पे सियेंगे। इसी धागे से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको सीते जाएंगे नीचे तक। इस तरह से ये जो चेन है इसमें इस तरह से धागा पास करते जाएंगे और पूरा इसको सी देंगे यहाँ तक। अब हम डोरी बना रहे हैं फ्रेंड्स। इस तरह से स्लिप स्टिच बनाया, थोड़ा धागा यहाँ पे छोड़ेंगे टेसल बांधने के लिए। अब चेन बनाएंगे अपने नाप के हिसाब से। मैं यहाँ पे 60 स्टिच का चेन बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो डोरी हमने बनाई उसको इसमें, ये जो जाली है इसमें डालने के बाद यहाँ पे टेसल बांधेंगे। पहले नहीं बांधेंगे टेसल, क्योंकि यहाँ से फिर वो पास नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पे छोटे से टेसल बांध लेंगे। ये देखिए, फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आगे भी मैं आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लाती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।